एयर इंडिया की हड़ताल के चलते घूमना फिरना भी महंगा हो गया है। महंगे एयर टिकट्स को हवाला देते हुए क्यूर एंड ट्रेवल एजेंट्स ने पैकेज में 30% तक महंगे कर दिए हैं। और इतना ही नहीं, एजेंट्स का ये भी कहना है कि न सिर्फ घरेलू बल्कि विदेशी पर्यटकों के प्लान्स पर भी इस हड़ताल का असर दिख रहा है। पिछले 10 दिन से एयर इंडिया के पायलट हड़ताल पर हैं। कनिका दिल्ली में रहती है, सेल्स एजेंट है। बहुत पहले उन्होंने सिंगापुर घूमने का प्रोग्राम बनाया था, पैकेज लिया था, लेकिन हवाई यात्रा का टिकट एयर इंडिया का खरीदा था। अब एयर इंडिया की हड़ताल ने इनका प्लान ही मानो चौपट कर दिया है। एयर इंडिया की उड़ानें कैंसिल हो चुकी हैं, बाकी एयरलाइंस का टिकट महंगा हो गया है। यही हालत कनिका जैसे हजारों उन सैलानियों की है जो सैर सपाटे के लिए देश और विदेश का पैकेज ले रहे थे। एयर इंडिया की हड़ताल ने ट्रैवल एजेंट्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। लंदन घूमने के लिए पहले 90,000 रुपए देने पड़ते थे, अब 1,25,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। सिंगापुर घूमने के लिए 55,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, जबकि पहले सिंगापुर का पैकेज 40,000 रुपए का था। हांगकांग का पैकेज अब 75,000 रुपए का है, पहले ये 60,000 रुपए का था। मॉरिशस घूमने के लिए जहां पहले आपको 57,000 रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब 68,000 रुपए देने होंगे। Fresh bookings are not being visible as high, so I'm afraid that months of May, June and July, which are very important summer months for us, you know, it's the time when we can make special offers because hotels are soft. It is going to affect our inbound tourism and also will affect the Indians traveling out at this time because they're having to pay more. Anyway, they're being hit by the dollar at 54 or 55, higher airfares, it is affecting even outbound. पैकेज महंगा होने से सैर सपाटे की योजना बना रहे ढेर सारे ग्राहकों ने फिलहाल इसे मुलतवी करना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर लोग भारी संख्या में सस्ते पैकेज भी तलाश रहे हैं। कुछ लोग जो गर्मियों की छुट्टी शहर से दूर बाई एयर जाना चाहते थे, कोई दिल्ली से केरला जाना चाहता था या साउथ ईस्ट एशिया या कश्मीर जाना चाहता था, उन लोगों ने अपने वो प्रोग्राम्स कैंसिल करके बाई कार नियर बाई प्लेसेस में या जहां पर शताब्दी या कोई ऐसी ट्रेन जाती हैं वहां पर अपने हॉलीडेज बिताने की वो कर ली है। एयर इंडिया की हड़ताल के साथ साथ रुपए में गिरावट ने विदेश में घूमना भी महंगा कर दिया है। सुप्रिया भारद्वाज, जी बिजनेस, दिल्ली। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी है।